पूरी दुनिया की मईशत पर शदीद मनफी असरात मरतब किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी पूरा हफ्ता मंदी के बादल छाए रहे और हफ्ते में 3 मरतबा हसस बाजार में कारोबार को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से रोजान की वजह से 30 इंडेक्स में 4% तक गिरावट है। स्टॉक मार्केट में 45 तक ट्रेडिंग रोकने की मजीद क्या वजूहत है और इन 45 मिनट के दौरान क्या किया जाता है, ये बता रहे हैं कराची से सुमेर राजपूत। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 5000 के करीब इंसानों को मौत की नींद सुला दिया और 1 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर कर दिया, वहीं इस खतरनाक वायरस ने आलमी मईशत को भी हिलाकर रख दिया है। नौ से 13 मार्च तक जारी रहने वाले गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के दौरान दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी की लपेट में रही और इतनी मंदी हुई कि 3 मौकों पर ट्रेडिंग को 45 मिनट तक रोकना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर जुबैर मोतीवाला ने बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वैसे तो 100 इंडेक्स को देखा जाता है, लेकिन अगर इंडेक्स में 4% गिरावट आ जाए और वो मुसलसल 5 मिनट तक बरकरार रहे तो हसस का लेन देन 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। कारोबारी सरगर्मियों पर पड़ने वाले मनफी असरात को रोकने के लिए हुकूमत को कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए मजीद मौसर इकदाम करने होंगे। सुमेर राजपूत, क्विक न्यूज, कराची। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबर सियासी या मुल्क के बहरान की, या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।